हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है कुरकुरे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कुरकुरे किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए एक कप चावल का आटा लिया है हमने, एक कप पानी लिया है, नमक लिया है, चाट मसाला लिया है और लाल मिर्च पाउडर। अब हमने गैस में कढ़ाई रख दी है, उसमें हम पानी डाल देंगे एक कप। इसको थोड़ा गर्म करने देंगे। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। दो चम्मच इसमें तेल डालें। अब इसमें जो एक कप हमने चावल का आटा लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बराबर चलाएंगे। ये देखिए, चावल का आटा और ये पानी सम्मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब देखिए हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, अब हम इसको नीचे उतार देंगे। अब हम तेल का हाथ लगाएंगे और इसको धीरे धीरे मिसल लेंगे। अभी थोड़ा हमारा गर्म है, इसकी वजह से हम धीरे धीरे इसका डो बना देंगे। देखिए इस तरह से हम इसका चिकना डो बना देंगे। इस तरह से हम जैसे रोटी परांठे का बनाते हैं ना मसल के, इस तरह से हम मसल मसल के इसका चिकना डो बना देंगे। ये देखिए अब हमारा कितना चिकना डो बन गया है। अब हमने डो एक प्लेट में ले लिया है। अब इसको इतना इतना सा हम छोटी छोटी लोई निकाल के इस तरह से हम मसल के और इसको इस तरह से ये उंगलियों में हम कर देंगे तो ये हमारे कुरकुरे बन जाएंगे। इस तरह पहले हमने छोटी सी लोई ली, फिर हमने उसको मसल दिया, फिर हम इसको इस तरह से लेके फिर उंगलियों से इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे कुरकुरे बन जाएंगे। ये बिल्कुल बाजार जैसे कुरकुरे बनते हैं, खाने में भी टेस्टी बनते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये मेरे कुरकुरे बन गए हैं। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये जब तेल गरम ज़्यादा हो जाता है उसके बाद में हम मीडियम में कर देंगे और अब हम इसको तेल गरम हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे। गैस हम मीडियम में रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा सिकने के बाद में हम इसको
पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे, देखिए इस तरह से। इसमें क्या है, विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जैसे ही हम डालते हैं उसको तुरंत ही नहीं चलाना चाहिए, कम से कम एक मिनट बाद, एक या दो मिनट के बाद में हम इसको चलाएं। अब इसको हम पलट देंगे। इसको सीखने में 5 मिनट के करीब लगते हैं, 5 या 6 मिनट के करीब। ये देखिए अब हमारे सीख गए हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल देंगे। और जो बाकी के हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे। ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी बने, इस तरह से बिल्कुल बाजार जैसे बने। इसमें आप मसाला डालो या ना डालो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो आप वैसे भी खिला सकते हैं बच्चों को। और हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे ऊपर से, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे क्या है, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है और चटपटे हो जाते हैं। अब हम इसको ढक्कन को रखिए और इसको ये देखिए हमारा मसाला मिल चुका है, हमारे कुरकुरे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।